बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एमएनएम फन फैक्ट्री। आज हम बना रहे हैं बिस्किट चॉकलेट पुडिंग। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीके से हमने इसको बनाएंगे, तो मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार होती है। मैं आपको लुक दिखाने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना ये बेहतरीन जो है ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो हम जल्दी से इसको बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है। डेफिनेटली आप लोग बनाएंगे इसको, तो आप लोग खाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो जल्दी से हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मेरे पास बिस्किट्स हैं, ये वो बिस्किट्स हैं जो बच्चे मतलब हम लोग बच्चों को खिलाते हैं। मेरे पास इसमें मैरी बिस्किट है, एक ग्लूकोज बिस्किट इसके अंदर शामिल है। दो तरह के बिस्किट्स हैं ये। बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि ये पैकेट से सिर्फ एक लेते हैं, बाकी जो है वो रखकर भूल जाते हैं या उनको नहीं खाते। तो वो बिस्किट्स मैंने यहाँ पे जमा कर ली। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो अक्सर एक दो बिस्किट के बाद जो है पूरा पैकेट छोड़ देते हैं, तो वो बिस्किट्स मैंने यहाँ पे जमा कर लिए हैं और इनको मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख लिया था। तो इसके बाद अभी जो जमा हो गया, तो मैं इनका मीठा बना रही हूँ। मीठा हम लोग बनाएंगे इसका चॉकलेट के साथ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही पसंदीदा फेवरेट इन लोगों का बच्चों का होता है। बच्चे आसानी से ये खा लेते हैं, बच्चे अगर ऐसे निखा रहे तो वैसे खिला लें, तो ये एक ट्रिक है इसकी। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स लिए हैं, इसको मैं अपने चॉपर के अंदर डालकर इसको बिल्कुल बारीक जो है पेस्ट इसका पाउडर फॉर्म बना लूंगी। यहाँ पर बहुत ही मैंने बारीक जो है इसका पाउडर बना लिया है बिस्किट्स को पीस कर। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी घी। घी नॉर्मल ले रही हूँ मैं, आप चाहे तो बटर भी ले सकती हैं और चाहे अगर आप देसी घी भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बटर ज़्यादा बेहतर रहेगा घी देसी घी से। और ये हमारा आप लोग नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसको अच्छे से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छे से मैंने इसके अंदर जो है घी मिक्स कर दिया है, और अब हम चलते हैं अपनी चॉकलेट सॉस की तरफ। चॉकलेट सॉस बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3 कप दूध है ये। इसमें मैं शामिल करूँगी ये 5 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है, ये इसमें शामिल करूँगी। दूध इस वक्त मेरे पास ठंडा है, मैंने गर्म नहीं किया, फ्लेम भी ऑन नहीं है, इस वक्त ऑफ है। ये 60 ग्राम जो है मेरे पास डार्क चॉकलेट है, ये इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। आपके पास अगर चॉकलेट चिप्स वाली चॉकलेट हो तो आप वो भी शामिल कर सकती हैं इसमें। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है 1/4 कप है कोको पाउडर, 2.5 टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। लेवल करके लिया मैंने, बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लोर मैंने भर भर कर नहीं लिया, टेबल स्पून जो है वो लेवल करके लिया। अब मैं यहाँ पे लूंगी एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडे में ही इसको मैं जो सारी ड्राई फॉर्म्स हैं वो मिक्स कर लूंगी इसके, और जो हमारी चॉकलेट है वो तो जब गर्म होगी तभी मेल्ट होगी, जो हमने डार्क चॉकलेट के अंदर यूज किया। ये थोड़ा बहुत मिक्स हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है, इसको हम जब गर्म करेंगे तो अच्छे से और मिक्स हो जाएगा। तो इसको लो मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल तेज आंच पर कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी, और इसको हम हिलाते जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि जब ये पकेगा तो इस कॉर्नफ्लोर जो है उसकी वो भी पकना शुरू होगा, तो गुठलियां ना बन जाए, इसलिए हम अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। ऐसे ही देखें दूध गर्म होना शुरू है, हमारी चॉकलेट जो है ये मेल्ट हो रही है। इसको अच्छे से हमने चारों तरफ से जहाँ जहाँ ये लगेगी इसको उतारना भी है, और इसको अच्छे से हम चलाते चलाते मिक्स भी कर लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से पक जाए। तो चॉकलेट अच्छे से इसके अंदर घुल चुकी है, और देखें जैसे जैसे ये थोड़ा सा पक रहा है ये गाढ़ा हो रहा है। तेज पॉइंट पे हम लोगों ने तेजी से चम्मच चलाना है बिल्कुल। तो ये देखें आप आपके सामने ही पतले से किस तरह से ये गाढ़ा हो गया। इसको से जब ये गाढ़ी हो जाए तब तकरीबन 30 सेकेंड या 1 मिनट तक आपने इसको हिलाते हुए मजीद पकाकर फिर फ्लेम आप ऑफ कर दीजिएगा। तो ये
लेकिन प्याज अच्छी है, पक गई है, तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। और फ्लेम ऑफ करके तकरीबन थोड़ी देर तक मैं इसको एक मिनट के लिए और चलाऊंगी, ताकि बहुत ज्यादा अभी इस वक्त गर्म हो रही है, तो थोड़ी सी ये कूल डाउन हो जाए। हमारी चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं चॉकलेट की लेयर की तरफ। थोड़ा सा इसको तकरीबन 5 मिनट का हम लोग रेस्ट देंगे लेयर से पहले, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब लेयर लगाएंगे, तो लेयर में सबसे पहले हमारी आएगी बिस्किट की लेयर। तो बिस्किट को हम पहले यहाँ पर डाल दिया हमने, इसकी एक लेयर बना लेंगे। ये तकरीबन मैंने हाफ जो है इसका मिक्सचर बिस्किट का ये डाल दिया है। अब इसको बिल्कुल लेवल करेंगे। आप कोई भी चीज ग्लास ले सकती हैं, कोई चपटा सा या कोई भी चीज, मेरे पास हमर है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसको टैप करके एक सॉलिड लेयर जो है वो बनाऊंगी। आप इसकी जगह पे कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्लास का, कोई छोटी प्लेट हो या कुछ भी। इस तरह से हम दबाएंगे इसको, ताकि ये अच्छे से हमारा जो है जुड़ जाए सारा। ये बहुत सिंपल मीठा है और बच्चों को बेहद पसंद आता है। ये सिंपल इजी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, तकरीबन मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर में मिल जाएंगे। और ये हमारा बेहतरीन सा मीठा जो है बन जाता है। आप दावतों में भी इसको रख सकती हैं, दावत में भी बच्चे आते हैं अक्सर, तो उसमें बच्चों के बहुत ही मोस्ट फेवरेट होता है और बड़े भी इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो ये हमारा हो गया, देखिए कितना सॉलिड मैंने उसमें प्लास्टर कर दिया। तो अब इसको बिल्कुल लेवल कर दिया हमने। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट की लेयर। इतनी ज़बरदस्त चॉकलेट की खुशबू आ रही है, ये इस पर मैं डाल दूंगी। अच्छे से इसको फैला लेंगे हम चम्मच की मदद से। मैं इसको अच्छे से इस तरह से फैला लूंगी कि इसकी एक प्रॉपर लेयर जो है वो बन जाए। तो यहां से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से एक बिस्किट की लेयर और एक चॉकलेट की लेयर जो है ये बन गई है नीचे। तो अब इसी तरह मैं इसके ऊपर दोबारा से बिस्किट की एक लेयर बनाऊंगी और फिर इसके बाद चॉकलेट की। तो इसमें दो लेयर्स जो है वो आ गई हैं, दो चॉकलेट की और दो बिस्किट की। तो ये बाकी जो बिस्किट बचा है इसको डेकोरेशन के तौर पर अपने हिसाब से जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहें ऐसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें कितना बेहतरीन इसका, मैं सीधा स्ट्रेट चम्मच स्पून लिया मैंने यहाँ पे। इसको इस तरह से मैं कट करूंगी और एहतियात से इसको यहाँ से मैं निकालती हूँ, बिल्कुल सही से आ जाए। ये देखें कितना बेहतरीन जो है ये हमारी इसकी कटिंग भी हो गई है। बहुत ही जबरदस्त मजेदार, ये देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त जो है ये तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार, इसकी खुशबू ही चॉकलेट की इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप लोग ट्राई करेंगे तो खाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो ज़रूर बनाएं, बच्चों को भी इंजॉय करें, खुद भी करें, गेस्ट के सामने रखें। बेहतरीन डिश है, स्वीट डिश। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।